गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको क्लियर करने वाला हूँ कि पर्टिकुलर आपका कोई भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डजंट मैटर, आपका कोई सा भी ब्रांच है तो आपका काउंसलिंग जो आप कराओगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तो आपको ये इंटरफेरेंस नहीं दिया जाता है कि आपका सिविल है तो आपको सिविल ही लेना है, आपको मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ही लोगे, ऐसा कोई बाउंडेंशन नहीं होता है। आप अपने इच्छा अनुसार जिस ब्रांच में जाना चाहोगे उस ब्रांच को आप सेलेक्ट कर लोगे, उस ब्रांच में आप पर्टिकुलर जा सकते हो। लेकिन 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 गाइज एक चीज आप सोचना, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या इसका सिग्निफिकेंट है, क्या आपके फ्यूचर आने वाले चीजों में आपको क्या बाधा आएंगी, क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉस होंगे, इसको जरूर समझ लेना। और इस वीडियो में मैं बेसिकली इसी चीज़ को कवर करने वाला हूँ कि अगर आप अपना ब्रांच चेंज करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका ब्रांच सिविल है, आपका रैंक अभी ज़्यादा आ गया है, आपको ब्रांच सिविल नहीं मिल पाएगा, तो आप कौन सी ब्रांच में जा सकते हो। और आप चाहते हो कि मैं दोबारा अटेम्प्ट ना दूँ, हो सकता है मेरा सेशन लेट हो जाए, मैं एक साल गैप ले लूँगा, तो मुझे आप गैप भी नहीं लेना है, आपको कौन सा ब्रांच आप ले करके अच्छा से अच्छा कर सकते हो। या किसी का ब्रांच CS है, उसको अगर CS नहीं मिल पाता तो उसको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए था, तो इसी वीडियो में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप स्किप ना करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अभी सारे लोगों का मतलब दिमाग है ना, ये होचकोच हो चुका है कि सिविल लेना है, सिविल लेना है, सिविल लेना है, सिविल चूज किया जा रहा है, सिविल पे ही ज़्यादा फोकस है। बट मैं आपको रियलिटी बता दूँ कि सिविल में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है जो आपको सिविल के क्षेत्र से हटा करके या किसी दूसरे क्षेत्र से हटा करके सिविल में कोई महारत आप हासिल कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिविल उसी लोगों को लेना है, उसी लोगों को चूज करना चाहिए जिनका ब्रांच सिविल ऑलरेडी रहा है डिप्लोमा में। आप अदर ब्रांच से सिविल ब्रांच में आ जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। चीज़ें जो आप पढ़े हो 3 साल में उसको समझना आसान होगा आपके लिए, आप दूसरा ब्रांच ले लोगे उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। हो सकता है आप सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पे आपको कैरी लग सकती है, हो सकता है आप वहाँ ईयरबैग ले लोगे, हो सकता है वहाँ पे मन ना लगे आपका, हो सकता है कि आपका उसमें मन लग भी जाए तो 1-2-4 महीने तक लगे, उसके बाद आपको बोरिंग लगने लगे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा कि दोबारा से आप ब्रांच को चेंज कराओगे। तो पहली बात, आपका जो भी ब्रांच डिप्लोमा में है उसी ब्रांच को ज़्यादातर से ज़्यादातर कोशिश करें कि मेरे को वही ब्रांच मिल जाए, उस ब्रांच में आप अच्छा कर सकते हो। 3 साल आपने दिया है डिप्लोमा में, बेकार उसको नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। उसको अगर आप दूसरा ब्रांच लो करके ले होगे तो वो चीज़ आपका बेकार चला जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसका उपयोग नहीं कर पाओगे लाइफ में, कर तो पाओगे, लेकिन आगे इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हो तो आप फ्यूचर के लिए उस ब्रांच को आप एक तरीका से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। हो सकता है उसका कुछ पेपर, हो सकता है उसका कुछ पार्ट आप दूसरा जो ब्रांच ले रहे हो उसमें आपको फ़ायदेमंद हो जाए, बट वो चंद सेकेंड कुछ दिनों की बात तक रहेगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो पहली जो आप गलती करोगे वो ये कर रहे हो कि आपका ब्रांच है कुछ और, सिलेक्शन करने जा रहे हो किसी और ब्रांच को, तो उसका फ़ायदा घाटा अभी मैंने बताया, उसको आपको झेलना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका ब्रांच डबल ई है, ठीक ना, ट्रिपल ई है या ECE है, तो आपके तीनों ब्रांच एक दूसरे से बेहद ही करीब और इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जिनका भी ब्रांच इन तीनों में से कोई एक रहा होगा तो ये रिस्पेक्टिव इसी तीनों में से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में वो जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। आगे या BTECH करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनकी पेपर जो होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो उनको ब्रांच को रिस्पेक्टिव वे में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे EE को EEE जा सकते हैं, ठीक ना, ECE वाले EEE में जा सकते हैं या EE वाले ECE में भी आ सकते हैं, ठीक ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खास करके ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। 1-2 सेमेस्टर तक थोड़ा बहुत आपको 1-2 पेपर अलग मिलेगा, बाकी जब आगे बढ़ोगे तो ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें होती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत झेलने को नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। तो ये तीनों ब्रांच है वो आपस में एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो दिक्कत आ सकती है वो आ सकती है आपको सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए और CS वालों के लिए, क्योंकि ये तीनों जो ब्रांच है ना वो रिस्पेक्टिव वे में अपने आप में एक अलग चीज़ें मैटर करती है। CS वाले को कोडिंग करना होता है, उनको कोडिंग करना होता है, तो वो अगर आप मैकेनिकल ले लेंगे, इलेक्ट्रिकल ले लेंगे, तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगी, उनको बाद में
चीज़ें बोरिंग से लगने लगे, उनका इंटरेस्ट किसी और में है, तो वो चीज़ों को अपने से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको दिक्कत हो सकती है। मैकेनिकल वालों में चीज़ें ज़्यादातर पार्ट पुर्जे जानना है, ठीक ना, मैकेनिकल चीज़ों को जानना है, एक्चुअली में पार्ट पुर्जे कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक ना, उन सभी चीज़ों को जानना है, मोटर वगैरह के बारे में जानना है, तो उनको अपने से कनेक्ट करना और फिर अदर ब्रांच लेते हैं तो उनको उससे कनेक्ट करना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपना ब्रांच अगर स्विच करते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक ना। बाकी सिविल वालों के लिए जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, रेलवे का काम करना, सर्वेइंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें है ना, तो वो अपने आप से 3 साल जब डिप्लोमा में किए हैं तो वो अपने आप से कनेक्ट करके रखे हैं चीज़ों को, तो वो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं, मैकेनिकल ले लेते हैं, CS ले लेते हैं, तो उनको मतलब दिक्कत हो सकती है चीज़ों को समझने में, या किसी दूसरे का कोई सा ब्रांच है अगर दूसरा ब्रांच लेता है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेप्ट वो 3 जो मैंने ब्रांच बताए हैं, EEEE, EEEE और ECE, ये तीनों एक दूसरे सिमिलरिटी में होते हैं, तो इन तीनों को ब्रांच को एक दूसरे में चेंज करने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक ना। तो ये आप चीज़ें कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा लास्ट में यही कि आपका जो ब्रांच है वही ब्रांच लो, किसी दूसरे के कहने और चढ़ावे और बहकावे या किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत देखो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपको क्या चीज़ें अच्छा लगती है, उसके अनुसार अपना जजमेंट लो, उसी के अनुसार अपना डिसीजन लो, उसी के अनुसार अपना चॉइस फिलिंग करो और वहीं ब्रांच लो। अब मैंने एक चीज़ और बोला था शुरू में कि अगर मान लीजिए आपका सिविल ब्रांच है, CS ब्रांच है, कोई सा ब्रांच है, अगर आपका रैंक ज़्यादा आ चुका है, आपको वो लगता है कि पर्टिकुलर ब्रांच नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली, तो मैं आपके लिए सिंपल टिप्स दूंगा कि आपको अगर अपना ही ब्रांच लेना है तो आप अच्छा से अच्छा चॉइस फिलिंग करें। अच्छा से अच्छा चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हो, मैंने पास्ट में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना, उन सब वीडियो को देख लेना आप एक बार अच्छा से, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे चॉइस करने पर मेरा अपना ही ब्रांच मिल सकता है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा रैंक भी है तो। अगर इनके पूरे ज़्यादा रैंक है, आपको मिल ही नहीं सकता, आपको ब्रांच वाला जो आपका ब्रांच है वो आपको ब्रांच ही नहीं मिला, अगर आपको चूज भी करना तो आप दूसरे ब्रांच को चूज करते वक्त तो आप जो जोश में, मतलब एक होता है जोश कि मेरे को कॉलेज मिल जाए, तो उस टाइम पे आप कर तो लोगे, आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, लेकिन उस फील्ड में आप देख लेना अपने आपको एक बार कि मेरे को सही लगता है या नहीं लगता है, तभी आप चूज करना। अगर ऐसे चूज कर लोगे तो फिर कुछ होगा नहीं, करोगे पैसा भी लगेगा, सब चीज़ भी लगेगा, इफोर्ट भी लगा होगा, मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हो, सेमेस्टर में कैरी लगेगा, बैक लगेगा, आप मतलब कि माइंड से थोड़ा सा ये हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपको लगेगा कि आप यार पढ़ने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो क्या ही करूँ, तो हो सकता है आप वहाँ से बैक लोगे तो ज़्यादा दुख लगेगा, इसीलिए थोड़ा दुख अभी सह लो, अभी अपना ही ब्रांच चूज करो, दूसरे का और दूसरे ब्रांच के अकॉर्डिंग मत चलो, आप अपने इच्छा अनुसार चलो। हाँ, अगर इन केस आपको लगता है कि मेरे को ब्रांच ये है, मेरे को इस ब्रांच में जाना चाहिए था डिप्लोमा में, उसी ब्रांच में मेरे को मन लगता है, तो आप उस ब्रांच को भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारा चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कराया है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। बाकी मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि आप अपने ही ब्रांच को चूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी जिनका रैंक ज़्यादा है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, हो सकता है तो इस बार ना हो तो अगली बार के लिए भी आप अच्छा से ट्राई करें, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं तो सेकंड काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में तो मॉप तक आपका अगर मिल जाता तो गुड एंड वेल, और आपको बेस्ट विशेस अपने ब्रांच को पाने के लिए। तो अभी के लिए इतना रहता है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।